बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इरतसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नियो डार्विनिज्म एंड एज वेल एज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चार्ल्स डार्विन एंड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। उस लेक्चर के अंदर मैंने बेसिकली आपको डार्विन के सफर के बारे में बताया था, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से उन्होंने सैंपल्स को कलेक्ट करके एक रेवोल्यूशन बरपा कर दी थी। उस टाइम लोगों का कंसेप्ट ही चेंज कर दिया था। डार्विन ने उस वक्त क्या कहा था कि चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद बन जाती हैं। कैसे बनती हैं? उनके अंदर वक्त के साथ साथ चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंपल यूनिसेलुलर था, उससे क्या हुआ है, एक कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है डियर स्टूडेंट्स, वो बना है, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बना है, ग्रेजुअली बना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। और इस दुनिया में बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी थी जो नापैद हो चुकी हैं, क्योंकि वो फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले थे, बेसिकली जो आज हमने एविडेंसेस के अंदर भी बात करनी है। और जो बच गए थे वो फिटेस्ट थे, और नेचर ने उन्हीं को ही सिलेक्ट किया था जो कि क्या थे, फिटेस्ट थे, वही सर्वाइव कर चुके थे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है हमारा न्यू डार्विनिज्म, जब आपके पास ये डार्विन काम कर रहा था, एट द सेम टाइम उसी इरा के अंदर 1850s के अंदर जो है वो मेंडल भी काम कर रहा था। मेंडल का जो काम था वो किस पर था? जेनेटिक्स पे था। तो एक बात याद रखें, अगर हम न्यू डार्विनिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो मेंडल्स का काम था वो किस पर था डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स पर था। एंड एज वेल एज जो आपके पास डार्विन है, इसने किसके ऊपर बात की? एवोल्यूशन के ऊपर बात की, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के ऊपर बात की, या फिर आप कहते हैं स्पीसिएशन के ऊपर बात की, कि स्पीशीज किस तरह से बनती हैं। ये कौन बात कर रहा है? डार्विन बात कर रहा है। जेनेटिक्स की बात किसने की थी? मेंडल ने। अब आफ्टर द मेंडल्स एंड एज वेल एज डार्विन वर्क्स, क्या हुआ, साइंटिस्ट ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 90s के अंदर क्या किया, इसको रिकाउंसल किया। जो काम डार्विन ने किया था एंड एज वेल एज जो मेंडल ने किया था, इन दोनों को इकट्ठा देखा गया। इकट्ठा कैसे देखा गया? साइंटिस्ट ने यह बात की कि ये जो आपके पास एवोल्यूशन है, इसकी पीछे बेस क्या है? इसकी बेस डियर स्टूडेंट्स जेनेटिक्स है। बेसिकली जीन्स के अंदर क्या आती हैं? मॉडिफिकेशंस आती हैं। जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशंस आने के बाद म्यूटेशंस होती हैं, और वो म्यूटेशंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, लीड्स टू वर्ड द एवोल्यूशन। तो जो एवोल्यूशन होती है उसकी नेचुरल काज क्या है, या बेसिक काज क्या है, वो है आपके पास, दैट इज द म्यूटेशन, चेंज इन द जेनेटिक्स, म्यूटेशन है वो आपके पास। यहां पर ये प्लस पॉइंट था। अब जब इन दोनों को इकट्ठा स्टडी किया गया, तो उन्होंने एक नई जो ब्रांच है पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, वो इंट्रोड्यूस करवाई, और उसकी जो बेस रखी वो थी न्यू डार्विनिज्म। कि एक पॉपुलेशन की जो जेनेटिक्स होती, फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, 50 बंदों की पॉपुलेशन है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जीन्स, जीन्स की फ्रीक्वेंसी, उसमें अलील्स, अलील की फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट्स, और एक अलील जो है वो किस तरह से खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, कौन से अलील किस इन्वायरमेंट में एक्सप्रेस करते हैं, और कौन से अलील किस इन्वायरमेंट में खुद को सप्रेस कर लेते हैं, बेसिकली यही लीड्स करती है टू वर्ड द एवोल्यूशन। तो ये जो प्रोसेस था, इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? नियो डार्विनिज्म। इसको क्या बोला जाता है? थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस। ये न्यू डार्विनिज्म जो है, इसको मॉडर्न सिंथेसिस का नाम दिया जाता है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि ये रिलेट कर रही है किसके साथ? पेलियंटोलॉजी के साथ, मतलब फॉसिल रिकॉर्ड भी इसके साथ रिलेट करते हैं, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन जो है, सिस्टमैटिक्स एंड एज वेल एज नेमिंग डियर स्टूडेंट्स, वो भी किसकी बेस पर है? इसी की बेस पर है। और उसके साथ साथ बायोजियोग्राफी, के किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वर्ल्ड, ओवर द अर्थ प्लैनेट, वो भी इसमें ही, और एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। कि ये सारी जो मॉडर्न स्टडीज हैं, इनको आप समझ लें कि ये सारा मिक्सचर आप किसके अंदर पढ़ते हैं? नियो डार्विनिज्म के अंदर। क्योंकि हर एक प्रूफ बताता है कि एवोल्यूशन हुई है, और वो एवोल्यूशन क्यों हुई है, उसकी बेस क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसकी बेस है जेनेटिक्स। अब ये पता कब चला था? तकरीबन 1950s के अंदर, जब डीएनए डिस्कवर हुआ, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जब पता चला कि इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है, इस तरह से ट्रांसलेशन होती है, ये जीन है, इसने प्रोटीन बनवानी है, उसके लिए मैसेंजर आरएनए बनेगा, एक कोड है उसको डिकोड करना है,
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पता चला कि अगर डीएनए के अंदर अल्ट्रेशन होती है, म्यूटेशन होती है, तो यही क्या करती है टूवर्ड्स अ एवोल्यूशन लेकर जाती है। डीएनए के अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से जो जानदार हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। समटाइम डियर स्टूडेंट्स म्यूटेशन जो होती हैं वो लीथल होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि यही म्यूटेशन जो होती हैं वो क्या करती हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट में हेल्प कर रही होती हैं। क्योंकि हमारे जीन्स जो, अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ, हमारे जीन्स कुछ जगहों पर स्विच ऑफ हो जाते हैं, कुछ जगहों पर वो अपना एक्सप्रेशन ज़्यादा शो करना शुरू कर देते हैं, कुछ पर कम करते हैं। तो ये सारी बातें, इन्वायरमेंट भी इसके अंदर क्या कर रहा होता है, अपना अहम रोल प्ले कर रहा होता है। तो इट्स मीन कि जो ह्यूमंस हैं या जो भी मॉडर्न स्पीशीज हैं लाइक प्लांट्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंट के साथ साथ जो जेनेटिक्स है वो खुद को क्या करती जाती है, एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो किधर यूरोप के अंदर है, उसके अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होगी जो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर रह रहे हैं, लाइक अफ्रीका की पट्टी पर जो रह रहे हैं लोग, उनका रंग जो है वो नेग्रोस जो काले हैं। अब देखें, अब इन दोनों में डिफरेंस है क्यों, किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे जो यूरोप में बंदा है इसमें जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग जीन है, क्योंकि धूप के साथ इतना एक्सपोजर नहीं है डियर स्टूडेंट, तो इसमें वो चीज़ कम बनेगी, यहाँ पर मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। एक साइड पर विटामिन डी ज़्यादा बन रही होगी, लाइक जो आपके पास इक्वेटोरियल रीजन के अंदर होगा, दूसरी साइड पे ह्यूमंस के अंदर विटामिन डी नहीं बन रही होगी। सो इट्स मीन कि ये क्या है कि जो जीन्स हैं या जो एंजाइम होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एनवायरनमेंट पे भी ये क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बारे में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 22 में ऑलरेडी बता भी चुका हूं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे चैप्टर नंबर 22 को खोलें तो वहां पे आपको इसके लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। न्यू डार्विनिज्म तो हमारी बात कंप्लीट होगी कि ये मॉडर्न साइंस है। हमने बात करनी है एविडेंसेस, किस तरह से हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। यह साइंटिस्ट ने डार्विनिज्म जो था, ये जो हमारे पास हाइपोथेसिस था डार्विनिज्म, ये जो डार्विन है उसने किस तरह से प्रूफ किया कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो ठीक है, उसके एविडेंसेस जो आज भी हमें मिलते हैं उनको हमने स्टडी करना। और फिर डियर स्टूडेंट्स इस पर मैं एक लेक्चर दूंगा, क्योंकि मैं बीइंग ए मुस्लिम ये बात डिसप्रूव भी करूंगा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ठीक नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में अब हमने तो पढ़नी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, पहले मैं प्रूव करूंगा कि किस तरह से लाइफ जो है वो एवोल्यूशन के साथ रिलेट करती है, फिर इसको डिसप्रूव करूंगा किसी और वीडियो के अंदर, यहां पर नहीं। तो उसका लिंक जो है मैं डियर स्टूडेंट्स इसकी जरूर एंड पे जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। पहली बात है कि हमने प्रूफ देना है कि एवोल्यूशन हुई है, ये बात आप याद रखें। उसमें सबसे पहले बात है बायोजियोग्राफी। बायो मीन आपके पास है लाइफ, आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, एंड एज वेल एज जियो मीन आपके पास क्या है, अर्थ है, और ग्राफी मीन क्या है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि जो लाइफ है वो अर्थ प्लैनेट पर डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से है, क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये बात गलत है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ये स्टूडेंट्स नहीं है। लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पर एक मैप बनाया था जिसमें मैंने सारे कॉन्टिनेंट्स का नाम लिया था। अब हम भी इस बात पर बिलीव करते हैं कि पहले ये कॉन्टिनेंट क्या थे, इकट्ठे थे, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये दोनों सारे क्या हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। अब यहाँ पर देखें कि अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको कैंगरूज मिल रहे हैं तो वो आपको यूरोप के अंदर नहीं मिलेंगे, वो आपको एशिया के अंदर नहीं मिलेंगे। इसी तरह से अगर ये स्टूडेंट्स आपको पांडास मिल रहे हैं या जो एशियन टाइगर है वो एशिया के अंदर मिल रहा है तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के अंदर नहीं मिलेंगे। अब उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हर स्पीशी, देखिए मैंने बोला है अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हर स्पीशी है वो वेरी करती है एरिया टू एरिया। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर जो क्रोज हैं एशिया के अंदर, अगर आप इनको कंपेयर करें यूरोपियन के साथ तो मे बी वो स्पीशी चेंज हुई पड़ी हो। क्यों, अब यहाँ पर हुआ क्या है डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन उनका बेशक सेम है लेकिन मे बी अब वो क्या हो, आपस में उनको ब्रीड करवाएं तो ब्रीड ही ना हो, क्योंकि स्पीशी का ये मेन कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें ब्रीडिंग जो है वो ज़रूरी होती है। ब्रीडिंग करेंगे अपने जैसे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा करेंगे तो देन एक स्पीशी होगी, मे बी उसकी वैरायटी बन चुकी होगी एंड फर्दर सो ऑन। अब ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि अब जब ये कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए हैं, जब ये सेपरेट हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, उसकी वजह से क्या हुआ है, इनके अंदर जियोग्राफिकल बैरियर आ गया है। क्या आ चुका है, पानी बहुत ज़्यादा, समंदर आ गया है। अब सारे जो ये कॉन्टिनेंट हैं इनके अंदर से जो है वो समंदर ही गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक बैरियर आ गया है, कुछ ऑर्गेनिज्म इधर रह गए, पहले ये इकट्ठे थे लेकिन अब ये क्या हो गए, 7 डिफरेंट जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसी वजह से जो जिस इन्वायरमेंट के अंदर गए हैं, फॉर एग्जांपल जो कैंगरूज थे, मे बी जब ये डिवीजन हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया से एशिया में भी कुछ उनकी स्पीशीज जो थी वो रह गई हों, लेकिन अब हुआ क्या है कि जो एशियन इन्वायरमेंट है वो उन कैंगरूज के लिए सूटेबल नहीं था,
तो उनकी डेथ होगी, वो फिट नहीं हो सके उस एनवायरनमेंट के अंदर। या फिर आप इसको यूं कह सकते हैं, अगर आप एवोल्यूशन की बात करते हैं, कि वो इधर आए और मॉडिफाई हो के कैंगरू से कोई और स्पीशी बन चुकी है। तो ये जो बेसिकली है आपके पास वो क्या है, दैट इज द बायोजियोग्राफी। इसमें जो वहां पर डार्विन था, जब वो अर्जेंटीना के पास पहुंचता है अपने सफर में, तो वो देखता है कि वहां पर उसको आर्मेडेलोज मिलते हैं। ये जो आर्मेडेलोज है, इसको आर्म्ड एनिमल का नाम भी दिया जाता है। आर्मेडेलो जो है, इसके ऊपर एक हार्ड किस्म का जो है ना वो शेल होता है। यहां पर जब चार्ल्स डार्विन ने इसको देखा, उसने इसको काटा, काट के पका के खा गया। अब उसने जब इसका टेस्ट चेक किया, तो उसको इसका टेस्ट जो था वो डक की तरह लग रहा था। वो कहता है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं किसी बर्ड को खा रहा हूं। फिर उसने क्या किया, अपने बुक के ऊपर इसका नाम वगैरह जो था वो मेंशन कर लिया, इसके जो करैक्टर थे उनको मेंशन कर लिया। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गया अपने सफर को जो है वो उसने कैरी ऑन किया, तो वो दिखता है वहां पर बड़े बड़े शेल्स बने हुए थे, जैसे आजकल हमारे पास ये नेट नहीं होते जिनको मच्छरदानियां बोलते हैं, इतने साइज के बड़े बड़े शेल्स थे। तो वो वहां के लोकल लोगों से पूछता है कि ये किसके हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह का जो था, ये जानदार था, उसको उसके स्केलेटन मिले, कोई रिमेनिंग्स मिले, फॉसिल्स मिले। तो फिर उसने उसको आर्मेडेलो के साथ कंपेयर किया, तो उसने कहा हाँ, ये दोनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। वो जो बड़े वाला था वो मॉडिफाई हो के छोटा हो के वो आर्मेडेलो की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो अब इससे क्या हुआ कि ये एवोल्यूशन हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब वो जो बड़े वाले थे वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे, अब कौन सर्वाइव कर सकते हैं, छोटे वाले सर्वाइव कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स उसने देखा टर्टल्स के बारे में। अब वो देखता क्या है कि जब उसने गैलापागोस पे, ये फॉर एग्जांपल ये गैलापागोस आइलैंड्स थे, वो देखता है कि यहाँ के टर्टल्स इधर के हर एक के क्या थे, एक दूसरे से किसी जगह से डिफर कर रहे थे। कुछ में शेल डोम लाइक था, कुछ में शेल फ्लैट था, कुछ में शेल के ऊपर जो स्केच होता है डियर स्टूडेंट्स वो डिफरेंट था। किसी की नेक लंबी थी, किसी की नेक छोटी थी, कुछ बहुत बड़ा था, कुछ दरमियाने साइज के थे। तो अब ये वो क्या देखते हैं कि हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आया है। तो अल्टीमेटली वो ये बोलते हैं कि ये जो इनके अंदर बेसिकली ये सारा जो है, ये सारा पानी है, ये इसकी वजह से कि क्या हुआ कि इनके ऊपर बैरियर आ चुके हैं। कौन से वाले? जियोग्राफिकल बैरियर आने की वजह से इनके अंदर ये तब्दीलियाँ आई हैं। पहली बात तो ये है। तो इसी तरह से वो कहता है कि अब ये क्या बन चुकी हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, न्यू स्पीशी बन चुकी हैं। क्योंकि स्पीशिएशन का जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक ही, ये फॉर एग्जांपल दो स्पीशी हैं, सॉरी फॉर एग्जांपल ये एक ही स्पीशी के दो प्लांट्स हैं, तो अब आप इनके अंदर क्या करें, जियोग्राफिकल बैरियर डाल दें, इनको सेपरेट कर दें। अब मल्टीपल जनरेशन के बाद ये एक दूसरे से अवे होते चले जाएंगे। बहुत सारी जनरेशन के बाद जब आप इसका इसके साथ ब्रीड करवाएंगे तो आपस में ब्रीड नहीं करेगा, क्योंकि अब ये और स्पीशी हो चुकी है और ये और स्पीशी हुई। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ जनरेशन बहुत ज़्यादा है, टाइम इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो यही बात जो थी वो डार्विन ने की थी कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये काम हुआ है। फिर उसके बाद फॉसिल रिकॉर्ड्स हमारे पास जो हैं वो कौन से थे। आजकल भी जब हम देखते हैं, क्योंकि आजकल तो स्टडी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, आजकल हमारे पास बेसिकली जो है वो कार्बन डेटिंग से बात की जाती है कि उसकी हाफ लाइफ मालूम करके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की, कि कोई जानदार कितना पुराना है। लेकिन डार्विन के पास ये कॉन्सेप्ट तो नहीं था। डार्विन ने ये बोला प्रोबेबली शायद ये है कि जो हमारे पास ओल्डेस्ट फॉसिल है वो किसका है, प्रोकैरियोट्स का, सिंपल यूनिसेलुलर्स का है। और उसके बाद उस वक्त उसको एग्जैक्ट ये भी पता नहीं था प्रोकैरियोट के बारे में। उसने कहा कि हमारी जो लाइफ है मे बी वो एक सिंगल सेल से क्या हो, ओरिजिनेट हुई भी हो। तो यही बात आज की साइंस हमें बताती है कि जो ओल्डेस्ट फॉसिल देखे गए हैं वो प्रोकैरियोट्स के ही हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स फर्दर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम दरमियान वाले सारे लिंक्स को ख़त्म करते हुए हम डायरेक्ट फिश पे आ जाते हैं कि फिश से क्या बने हैं, एम्फीबियंस बने हैं, और एम्फीबियंस से क्या बने हैं, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स से डियर स्टूडेंट्स एक तरफ आपके पास बर्ड्स आ गए और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ गए, मैमल्स। हम ये बात करते हैं कि जो मैमल्स हैं वो सबसे एडवांस हैं और फिश जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पुरानी है। हमारे पास ये जो कार्बन डेटिंग है ना, ये प्रोसेस भी यही बताता है कि जो फिश है वो सबसे पुरानी है, ओल्ड है ये आपके पास। उसके बाद ये क्या है, आप मॉडर्न है, ये जो है मॉडर्न है। इसका पता कैसे चला, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अर्थ क्रस्ट की एग्जांपल दूं, ये देखें ये मैं रेड से बना रहा हूं, ये अर्थ का मेंटल है, इसके अंदर ये कोर है, इस कोर के ऊपर ये स्टूडेंट्स ये ब्लू से क्रस्ट बना रहा हूं, ये क्रस्ट है जी। सपोज अर्थ क्रस्ट वो है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं।
इस अर्थ क्रस्ट में देखा गया कि जो सबसे पुराने फॉसिल्स थे ना, जो कि इस मेंटल से थोड़ा सा ऊपर मिले थे, वो किसके थे आपके पास? फिश के थे। इसके ऊपर, यहां पर सिर्फ फिश ही मिलती हैं। इसके ऊपर देखा गया फिश प्लस एम्फीबियंस थे, इसके ऊपर देखा गया फिश भी थी, एम्फीबियन भी थे और रेप्टाइल्स भी थे। अब जब इसके ऊपर देखा गया तो फिश भी थी, एम्फीबियन भी थी, रेप्टाइल भी थे, प्लस डियर स्टूडेंट्स मैमल थे, और कुछ आपको क्या मिले हैं, बर्ड्स के भी फॉसिल्स मिले हैं। सो इट्स मीन कि ये बात भी आपके पास एविडेंस है बहुत बड़ा, किसका? एवोल्यूशन का, कि किस तरह से फिश जो थी वो नीचे थी और पुरानी थी बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त वही ऑर्गेनिज्म थे तो बस उनके ही फॉसिल्स बने। फिर बाद में एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस के फिर फॉसिल बनना शुरू हो गए, फिर वो उसके ऊपर लेयर बनी, फिर उसके ऊपर लेयर बनी, इस तरह से लेयर्स बनती गई। तो जो एडवांस लेयर्स थी उसके अंदर आपके पास ह्यूमंस आते हैं और मैमल्स आते हैं ज़्यादातर, बाकी सारे जो हैं वो क्या हैं, ओल्ड ही हैं आपके पास। तो ये कार्बन डेटिंग ने भी बात प्रूव की है कि जो हाफ लाइफ से पता चला है कि जो फिश है इसके सबसे पुराने फॉसिल्स हैं, और सबसे एडवांस जो हैं वो मैमल्स में भी, आगे ह्यूमंस के जो हैं वो फॉसिल्स जो हैं वो सबसे मॉडर्न हैं या आपको जदीद मिलते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में। फिर हमने बात करनी है कंपैरेटिव एनाटॉमी की, हमने एनाटॉमी को कंपेयर करना है। एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी में भी, बेसिकली जो स्केलेटल एनाटॉमी है उसके बारे में। तो यहां पर जो पहला वर्ड है वो जो डार्विन ने बोला था, डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशंस, जो डिसेंडेंट होते हैं एंसेस्टर्स से, जो आगे बच्चे बनते हैं, जो अगली नस्लें होती हैं उनको हम डिसेंडेंट्स बोलते हैं। अब ये क्या हुआ है, इनके अंदर मॉडिफिकेशंस आई हैं, इसी मॉडिफिकेशंस की वजह से, इन्हीं मॉडिफिकेशन की वजह से क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन आई है। कैसे? अगर हम फोर लिम्स की बात करते हैं, फोर लिम्स किस किस के? ह्यूमंस के, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कैट्स के, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी मंकी के, बैट्स के और बर्ड्स के, अगर हम इनके फोर लिम्स के बारे में बात करते हैं तो देखा जाए तो इनमें होमोलॉजी पाई जाती है, होमोलोगस ऑर्गन है। तो ऐसे ऑर्गन होमोलोगस वो ऑर्गन कहलाते हैं जो, जिनका स्ट्रक्चर जो है डियर स्टूडेंट्स वो सेम हो बट फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहां पर अगर मैं बात करूं अपनी, तो ये क्या है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। इसी तरह से अगर आप कैट्स के अंदर देखें, वहां पर भी ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना है, मंकी के अंदर भी ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना है, बैट्स के अंदर भी ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना ही है, और बर्ड्स के अंदर भी ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना ही है। ये जो आप हॉट विंग्स खाते हैं, हॉट विंग्स देखें, एक जिसमें एक हड्डी होगी वो आपके पास क्या होगा, ह्यूमरस, जिसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास दो आगे हड्डियां आ जाती हैं वो क्या होती है, रेडियस एंड अल्ना होती है। तो यहां पर देखिए, इन सब के अंदर एक ही तरह की हड्डियां पाई जा रही हैं बट फंक्शन डिफरेंट है। कैसे? ह्यूमंस जो हैं ये अपनी बाजुओं को, चीज़ों को पकड़ने के लिए, वेट उठाने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, कैट्स ऐसा नहीं करती। हाँ, मंकी जो हैं वो समवट करते हैं, बैट्स उन्हीं को उड़ाने के लिए लेते हैं, और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो बर्ड्स हैं सेम सिमिलरली वो भी क्या करते हैं, उड़ने में मदद देते हैं। तो यहां पर क्या है, होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डियर स्टूडेंट्स क्या हो, फंक्शन डिफरेंट हो, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। और ये एवोल्यूशन आपके पास कहलाती है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट से मतलब क्या, ओरिजिन एक है और आगे क्या हुई है, एवोल्यूशन हुई है, तब्दीलियां आई हैं, हर एक ने अपनी चीजों को अपने माहौल के मुताबिक यूज किया है तो एवोल्यूशन हुई है, ये डाइवर्जेंट होती है एवोल्यूशन। इसी तरह से हमारे पास दूसरे कौन से, एनालॉगस ऑर्गन होते हैं जो बिल्कुल इसके क्या हैं, मुतजाद हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट फंक्शन जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, सेम होता है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है विंग्स, किस किस के विंग्स ही? इसमें हमारे पास बर्ड्स आ जाते हैं प्लस बैट प्लस इंसेक्ट्स। इन सब का काम क्या है, इन सब का काम है उड़ने में मदद देना, लेकिन अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो एक दूसरे से क्या होगा, डिफर करेगा। मतलब बर्ड्स का और बैट्स का किससे डिफर कर रहा है आपके पास, इंसेक्ट से डिफर कर रहा है। सो सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालॉगस एंड दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्ज हो रही है। उसके बाद हमने बात करनी है डियर स्टूडेंट्स वेस्टिजियल ऑर्गन। हाँ, उससे पहले मैं आपको अगर प्लांट्स के अंदर बताऊं तो प्लांट्स में भी वो कहते हैं कि जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है, हम बोलते हैं फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट
ये हमारे पास मॉडिफाइड शूट होती है और इसमें कुछ ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लाइक ये आपके पास क्या है, ओवरी है, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। इसी तरह से ये आपके पास क्या है, एंथर्स। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, पेटल्स। तो ये भी आपके पास क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। मतलब क्या है, स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट है। वो फोटोसेंसिस में जो लीव्स होते हैं वो फोटोसेंसिस में मदद दे रहे होते हैं, ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन हैं जिनका हमारी बॉडी में बज़ाहिर कोई काम नहीं है, फंक्शन लेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूँ, विजडम टूथ जिसको हम अकल दाढ़ बोलते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स मेल के अंदर निप्पल्स होते हैं, इनका क्या फंक्शन है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो जो अपेंडिक्स है इसका हमारी बॉडी के अंदर जो है वो काम क्या है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स कॉकिक्स जो कि टेल बनाने में मदद देती है। तो ये देखें, अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो इन दोनों चीज़ों का हमारी बॉडी के अंदर काम क्या है। जब हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारा जब एम्ब्रियो यानी कि हम फीटस की शेप में माँ के पेट के अंदर होते हैं तो वहाँ पर हमारी टेल की फॉर्मेशन होती है थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन बाद में उसको रिमूव कर दिया जाता है और वो कोकिक्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ये जो अपेंडिक्स है, इस अपेंडिक्स को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हम कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स इसका हमारी बॉडी में काम क्या है, एज सच तो कोई नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको बॉडी से निकाल भी देते हैं तो इसका कोई हमें नुकसान नहीं होता। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च जो है वो ये बताती है कि यहाँ पर एशेरिचिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या बनवाते हैं, विटामिन के बनवाते हैं। लेकिन ये तो अब हमने क्या किया है, हमने इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जो हमसे पहले वाले जो इंसान थे उन्होंने मे बी किया हो, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे, कच्चा गोश्त खाते थे। मे बी वहाँ पे उस टाइम यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी बैक्टीरिया जो विटामिन के बना रहे हैं, मे बी पहले कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते थे जो शायद मे बी सेलुलोज, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए सेलुलेज एंजाइम बनाते हों, या फिर इसी तरह से प्रोटीन की डाइजेशन में मदद देने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे एंजाइम्स बनते हों, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता हो जिससे डाइजेशन में हेल्प मिल सकती हो, या फिर और कोई, डियर स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी हम बात कर सकते हैं। इसमें अब यहाँ पर कोई हमारे पास ठोस या सॉलिड प्रूफ नहीं है कि उसका काम क्या था, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम हो सकता था, लेकिन अब हम उसको यूज़ नहीं करते, वो यूज़लेस हो गया है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये ऐसे ऑर्गन हैं जो किसकी तरफ लेकर जाते हैं कि एवोल्यूशन हुई है वाकई में। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी एंड एज वेल एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ एवोल्यूशन जो है उसका टॉपिक जो है वो समझाऊंगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।